नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास सिविल थर्ड ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको भी BTR के द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले साल होने वाली परीक्षा की तैयारी करनी है। अभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आने हैं उसकी तैयारी के लिए जो चैप्टर है फ्रेम, पहला फ्रेम यानी कि ढांचे, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है। कई बच्चे क्या है कि विश्वास करके हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है, बहुत छोटी सी है पर इंटरेस्टिंग है, तो मुझे अच्छा लगा इसको सॉल्व करना। आंसर तो इसका 2 मिनट का ही है, 2 मिनट का नहीं कुछ सेकंड का ही है, लेकिन समझाने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, एक फ्रेम दे रखा आपको, ये यहाँ 5 टन लोड लगा हुआ है, यहाँ 4 टन लोड लगा हुआ है, ये सपोर्ट जो है वो रोलर है, ये सपोर्ट जो है हिंज्ड है, ये दूरियाँ 2-2 मीटर, ये 2 मीटर दी नहीं है, मैंने मानी है 2, क्यों मैं इसको 3-3 मान लूँ तो इसको 3 मान लूँगा, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, इसको 5 मान लूँगा, क्योंकि ऐसा मानने से ही आंसर आएगा इसका। इसमें डाटा जो है वो अननोन है। क्वेश्चन ये है कि फोर्स इन BF मेंबर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये जो BF है ना मेंबर, ये इसका BF मेंबर, इसमें कितना फोर्स होगा। 4 ऑप्शन है, 4.5 टन टेंशन, 4 टन टेंशन 0 और 4.5 टन कंप्रेशन। हालांकि आजकल ये टन का ज़माना नहीं है, कभी एग्ज़ाम में आपको टन नज़र ही नहीं आएगा, ये होना चाहिए था किलो न्यूटन, जैसे कि या तो ये 5 किलो न्यूटन या ये 4 किलो न्यूटन, या इसको अगर बदलूँ मैं इसको जो टन को, तो 5 टन का मतलब होता है 50 किलो न्यूटन और 4 टन का मतलब होता है 40 किलो न्यूटन, लेकिन जो भी हो फिलहाल हम इसी को देखते हुए काम कर रहे हैं। अब ऐसे सवाल में सोच कैसे होनी चाहिए, हम कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, बात वो है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रोलर सपोर्ट होता है वो जिस सतह पर टिका होता है, जिस सतह पर टिका होता है उसके लंबवत यानी उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है उसकी, यानी ये जो सरफेस है जिस पे ये रोलर टिके हुए हैं, इस पे जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी, इट इज़ डेफिनेट। यानी जो रिएक्शन एट बी जो होगी, ये बी जो एंड है ना, ये जो सपोर्ट बी है, इस पे जो रिएक्शन होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी आर्मी। अच्छा, कोई जरूरी नहीं वर्टिकली अपवर्ड हो, वो तो अभी मैंने मान लिया, हो सकता है डाउनवर्ड हो जाए डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेस, लेकिन हाँ होगी इसके साथ में ये एंगल जो होगा राइट एंगल ही होगा डेफिनेटली। अब ये रिएक्शन निकालने के लिए हमें मोमेंट का लेना चाहिए हमेशा हिंज एंड पर, क्योंकि हिंज एंड पर रिएक्शन कैसी भी हो किसी भी डायरेक्शन में हो गुजरेगी वो इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ जो भी रिएक्शन होगी ए पर उसका मोमेंट 0 हो जाएगा, तो हम ए भी मोमेंट लेंगे, तो क्या लिखेंगे। अच्छा, वैसे इसका आंसर मैंने सोच लिया था, मुझे तो कुछ सेकंड लगे थे, आंसर दे भी रखा था इसका, ये 4.5 टन कंप्रेशन। अच्छा, ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल आंसर यही होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको इसी प्रकार से सोचना चाहिए होता है, एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है, 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको, हम तो कहते हैं 1 क्वेश्चन को करने के लिए आपको आधा मिनट भी नहीं लगना, 1 मिनट लगना चाहिए मुश्किल से। अब ये कैसे होगा आंसर मैं बताता हूँ आपको, फिर मैं समझूँगा आए कैसे ये। देखिए, यहाँ पे रिएक्शन हमेशा वर्टिकली होगी, सतह के लंबवत होगी, ठीक है ना। और अगर मैं इस जॉइंट को लूँ, बी जॉइंट को, और सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजी योग 0 करूँ, सिग्मा वी बराबर 0, तो जितना फोर्स इसमें है उतना ही इसमें आना चाहिए, जो फोर्स ये है आर बी जो है उतना ही आना चाहिए, ये ऊपर है या नीचे, यानी कि कंप्रेशन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है। और अगर मैं आपसे एक बात और कहूँ कि BC मेंबर में फोर्स पहुँचा जाता किसमें, मेंबर BC में तो 0 आता, इसमें 0 आता, क्योंकि जब मैं सिग्मा H बराबर 0 करता
तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो आता। तो इसका जो पूछा गया है कि बी एफ मेंबर फोर्स कितना होगा, वो तो ये 4.5 टन, एक्चुअली ये कंप्रेशन ही हो सकता है, टेंशन दोनों हो नहीं सकती, जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ होगी ना, जितनी भी रिएक्शन यहाँ पर होगी वो इसमें फोर्स बन जाएगा। अब मैं इसको करके बता रहा हूँ, तो लिखेंगे टेकिंग, और मैंने ये डिस्टेंसेज मानी है, हो सकता है कि ये डाटा मिसिंग हो, लेकिन मैंने इसको माना, मैंने ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, इसको स्क्वायर माना है, ये भी स्क्वायर है, तभी ये आंसर आएगा जो दे रखा है। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, अब जब ए भी मोमेंट लेंगे तो आर बी का मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये पांच टन का मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और इस चार टन का भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसा, या राइट में लग रहा हो नीचे, तो दोनों ही क्लॉकवाइज बना रहा है, ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज है और ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, और वो जो रिएक्शन लग रही ऊपर इस पॉइंट के अबाउट ऊपर, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये मोमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, आर बी, आर बी इंटू चार एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर, ये पाँच टन इंटू दो, पाँच इंटू दो प्लस ये चार इंटू ये दो दूरी, लंब दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी मोमेंट क्लॉकवाइज है, वो मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, इट इम्प्लाइज फोर आर बी, ये चार दूनी आठ और पाँच दस, ये हो गया अठारह। अब आप अठारह में भाग लगाओगे चार का, तो आएगा साढ़े चार टन, तो ये आर बी जो है ये साढ़े चार टन हो गई। अच्छा एक और बात, अब जो है ये अगर साढ़े चार टन है, अगर मैं पूरा इसको वर्टिकली बैलेंस करूँ फ्रेम को, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं, तो यहाँ कितना लगा हुआ, ये पाँच टन नीचे और ये लगा हुआ साढ़े चार टन ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर भी एक रिएक्शन होगी ए पर, ए है हिंज्ड, यहाँ दो रिएक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी वर्टिकल भी होगी, और जो ये वर्टिकल रिएक्शन होगी ना ये वाली, ये होगी 0.5 टन, ध्यान देना, क्यों कि ये साढ़े चार तो ये है 0.5, ये तो ये पाँच हो जाएगा, पाँच हो गया ये दोनों मिलकर ऊपर, और ये पाँच हो गया नीचे, बैलेंस हो गया। अच्छा अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा फोर टन को, फोर टन जा रहा है उधर, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ए पर एक रिएक्शन होगी हॉरिजॉन्टल भी होगी, ये वाली, ये वाली, और ये फोर टन होगी इधर। अब आप देखें कि हम कुछ मेंबर्स के अंदर ऑरली मुख जबानी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपसे मैं कहूँ कि ये जो मेंबर, मैं ये जॉइंट बी ले रहा हूँ, मैंने जॉइंट बी लिया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सिग्मा वी बराबर जीरो किया, तो क्या हो गया कि अगर मैं जॉइंट बी लेता हूँ, ये मैंने जॉइंट बी ले लिया, सब मैंने टेंशन मान लिया, मैंने सब में टेंशन मान लिया, ये तो रिएक्शन के ऊपर ही है ना, यहाँ पे ये है 4.5 टन, ठीक है, और ये जो मेंबर है बी सी है और वो बी एफ है। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा वी बराबर जीरो करता हूँ, तो देखिए ये फोर्स इन बी एफ, फोर्स इन बी एफ मैंने ऊपर माना हुआ है, प्लस 4.5 ये भी ऊपर ही है, और नीचे कोई बैलेंस करने वाला है नहीं, तो बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एफ बी एफ बराबर माइनस के साढ़े चार टन, हमने टेंशन माना था लेकिन वास्तव में आंसर आया माइनस में, इसका मतलब ये कंप्रेशन है, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 4.5 टन कंप्रेशन, इसका मतलब ये आंसर है, ये डी आंसर हो गया आपका डी, ठीक है ना। चलो कुछ और मेंबर्स निकालते हैं, इसमें तो निकल गया, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे 4.5 टन।
अच्छा अब अगर मान लीजिए यही मैं सिग्मा एच बराबर जीरो करता इसी जॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस करने के लिए ये तो फोर्स तो एक बीसी में है, एफ बीसी यानी फोर्स इन बीसी, और उधर कोई है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो बराबर जीरो। इसका मतलब बीसी में जीरो होगा, पूछा नहीं गया लेकिन पूछते ना तो ये इसमें जीरो फोर्स होता डेफिनेटली बीसी के अंदर। फोर्स इन, नोट कीजिएगा, फोर्स इन मेंबर बीसी बराबर जीरो, एफ यानी फोर्स इन बीसी, एफ बीसी इज इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो होता। अब यहाँ बात करते हैं, अब ये देखिएगा यहाँ चार टर्न लग रहा है यूँ, अच्छा ये बन गया यहाँ पे प्लस, ये सभी एंगल देखिए 90 डिग्री। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ फोर्स ऐसा होगा और इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऐसा होगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो एडी है ना, एडी मेंबर, ये एडी, इसमें ये नीचे देखिए एरो नीचे आ रहा जॉइंट पर, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0.5 टन, और कैसा कंप्रेसिव। अगर पूछते तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर दे दिया मैंने आपको। अगर आप पूछते कि एसी में कितना होगा, तो देखिए अगर मैं सिग्मा एच बराबर जीरो करता तो जो इधर फोर्स जा रहा है उतना इसमें लगता बैलेंस करने के लिए, तो ये इधर जा रहा ना तो उसमें उधर जाएगा, तो ये हो गया 4 टन। तो वो कितना था अभी मैंने बताया जो 0.5 टन, तो एसी में कितना हो गया 4 टन, ये हो गया टेंशन, ये कंप्रेशन था, ये टेंशन हो गया एसी के अंदर। और देखें कोई मेंबर्स जिसमें अपन ऑरली निकाल सकते हैं, ये सब एक तरह से ऑरली है, ये इसमें कोई मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, वो तो मुझे आपको समझाना था इसलिए इतनी बातें लग रही है यहाँ पे। अब देखिए ये अगर आप जॉइंट ई लेते हो, जॉइंट ई, तो यहाँ पे अगर आप सिग्मा वी बराबर जीरो करते हो तो इसको बैलेंस करने के लिए और कोई फोर्स नहीं सिवाय इस मेंबर के, तो ये नीचे आ रहा ना ये डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। इसका अगर ये 5 टन है तो ये भी 5 टन ही होगा, यानी कि फोर्स इन मेंबर ये ई सी या सी ई कुछ भी कह दो सी ई के अंदर, ये हो गया 5 टन कंप्रेशन सी ई। और अगर मैं सिग्मा एच बराबर जीरो करूँ तो डी ई में फोर्स कितना होगा ये तो नहीं निकाल सकता, हाँ कह सकता हूँ कि जितना फोर्स ई एफ में होगा उतना ही फोर्स डी ई में होगा, क्योंकि सिग्मा एच बराबर जीरो करने से जो फोर्स इसमें होगा वही उसमें होगा, क्योंकि इसको कोई बैलेंस करने के लिए है नहीं एक दूसरे के अलावा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों मेंबर्स में फोर्स बराबर होगा, कितना होगा वो नहीं कह सकते, वो हम जब कैलकुलेशन करेंगे जॉइंट लेके या सेक्शन मेथड से करेंगे, लेकिन जो देखने मेथड से कहा जा सकता है हाँ इसमें 5 जरूर होगा। तो मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर कुछ बातें बताई हैं जिनके अंदर एक तो ये है कि मैंने इसको स्क्वायर माना है तभी आंसर 4.5 आएगा, ये डाटा मिसिंग था मैंने अपनी ओर से माना मेरे अनुभव के आधार पर, आंसर इसमें मुझे पता था ये 4.5 टन दे रखा था, और ये 4.5 टन कंप्रेशन तभी आता जब ये रिएक्शन ऊपर होती और ये 4.5 ही होती, और इस रिएक्शन के 4.5 होने के लिए ये दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए थी और ये डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको बॉक्स माना स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो ये आपका फ्रेम का क्वेश्चन जो था मुझसे पूछा गया था किसी स्टूडेंट के द्वारा, तो मैंने इसको अपनी ड्यूटी मानते हुए समय था आज काम कर दिया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।